तो आज से मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। पहला पेपर आज है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच परीक्षा आयोजित की जाएगी। बता दें कि परीक्षा में 22,702 परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे हैं और सुबह 9 से 12 बजे तक परीक्षा की जाएगी। तो आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और आज हिंदी का पहला पेपर रहेगा। 12वीं बोर्ड, एमपी बोर्ड 12वीं कक्षा का हिंदी का पहला पेपर आज होगा और सुबह 9 बजे से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जो कि दोपहर 12 बजे तक ये परीक्षाएं चलेंगी। कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच, पुख्ता इंतजामों के बीच ये परीक्षाएं की जाएंगी। परीक्षा में 22,702 परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मध्य प्रदेश में आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। पहला पेपर आज हिंदी का होगा और 22,702 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। और चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, जबलपुर से हमारे साथ संवाददाता वेंकटेश कोरी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करेंगे। वेंकटेश, आपसे समझना चाहेंगे कि आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है, कड़े इंतजाम हर जगह जगह किए गए हैं, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह के इंतजाम जबलपुर में खासतौर पर किए गए हैं? प्रीता जी, मैं आपको बता दूं कि जबलपुर में भी जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है। कल ही हाई स्कूल की परीक्षाएं संचालित हुई थी, हिंदी के प्रश्न पत्र के साथ हाई स्कूल की भी परीक्षाएं शुरू हुई थी और ठीक वैसे ही हायर सेकेंडरी की जो आज से परीक्षाएं शुरू हो रही है उसका भी पहला पेपर हिंदी का ही रहेगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 9,58,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे और जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में 22,702 परीक्षार्थी हायर सेकेंडरी यानी 12वीं का पहला प्रश्न पत्र देंगे। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षा की काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं पहले से ही पूरी कर ली गई थी, तमाम कवायद की जा रही थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बात हो, पुलिस प्रशासन की बात हो या जिला प्रशासन की बात हो, परीक्षाओं में नकल रोकने तमाम उड़नदस्तों का गठन किया गया है। जबलपुर जिले की बात करें तो 20 निरीक्षण दल गठित किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि जिला प्रशासन की टीमें अलग निरीक्षण कर रही हैं और माध्यमिक शिक्षा मंडल की टीमें अलग आकस्मिक निरीक्षण करके परीक्षा केंद्रों में औचक रूप से पहुंच रही है। सुरक्षा के लिहाज से काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 12वीं की परीक्षाएं आज से चूंकि प्रारंभ हो रही है, इस लिहाज से तमाम परीक्षा केंद्र जो जबलपुर जिले के लिए 102 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं वहाँ तमाम व्यवस्थाएं की गई है। कल ही हमने बताया था कि 10वीं के जिन बच्चों ने दी है, जिन परीक्षार्थियों ने दी है, उनके तमाम जांच करने के बाद ही उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया। यहाँ तक कि किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल ना हो, इस पर विशेष नजर रखी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही जो पहला पेपर था 10वीं का, उसमें जूते चप्पल तक भी उतरवा लिए गए थे। इस लिहाज से काफी सुरक्षा के साये में, संगीनों के साये में भी परीक्षाएं हुई थी। तमाम परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी और तमाम अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों ने समय समय पर परीक्षा केंद्रों का जायजा लेकर निरीक्षण भी किया था। जी बिल्कुल वेंकटेश, कड़ी निगरानी यहाँ पर की जा रही है, कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहाँ 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू होने जा रही हैं। पहला पेपर आज हिंदी का होगा और कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, अधिकारी यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं और भारी निगरानी के बीच आज परीक्षाएं 12वीं बोर्ड की आयोजित की जाएंगी।